Good morning, my lovely kids. Welcome to GK class. Today in GK class, I'm going to teach you our new topic, our festivals. Our festivals. आप सब लोग भी festivals celebrate करते हो ना? उस दिन हम क्या करते हैं? उस दिन हम खूब मस्ती करते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, है ना? तो पहले मुझे बताओ, आप सब लोगों का फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है? दिवाली? ओके, होली, ओहो, गुरपूर्व, वाओ, आप लोगों के तो बहुत सारे फेस्टिवल्स फेवरेट हैं। चलो आज हम इन फेस्टिवल्स के बारे में स्टडी करेंगे। रेडी? गो एंड ब्रिंग योर जीके बुक। कम फास्ट। यस बेटा, दीज आर फेस्टिवल्स। यस बेटा, सी एंड टेल मी विच फेस्टिवल आर दे सेलिब्रेटिंग। टेल मी। वेरी गुड, दे आर सेलिब्रेटिंग दिवाली। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इस दिन हम क्या करते हैं? वी लाइट स्मॉल ऑयल लैम्प्स एंड कैंडल्स। आप एक चलाती हो ना दिए और कैंडल्स, और क्या क्या करते हैं इस दिन हम? चलो मैम के साथ चलो और इस दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। बेटा, ऑन दिवाली वी डेकोरेट आर हाउस विथ लाइट्स, कैंडल्स, दियाज, रंगोली, है ना? और ऐसे ब्यूटीफुल डेकोरेट करते हैं हम अपने घर को, और यमी यमी मिठाई भी खाते हैं, और मज़ेदार एक दूसरे को गिफ्ट्स भी देते हैं, और पटाखे भी चलाते हैं। आप ही फायरवर्क करते हो ना? और इसे हम विश कैसे करते हैं? हैप्पी दिवाली। सी एंड टेल मी व्हाट आर दे सेलिब्रेटिंग। वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? वेरी गुड, दे आर सेलिब्रेटिंग होली। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इस दिन हम बहुत सारे कलर्स के साथ खेलते हैं, है ना? और आपको होली खेलना अच्छा लगता है? लगता है? वेरी गुड। चलो फिर हम भी होली खेलते हैं। रेडी? यस बेटा, इस दिन हम बहुत सारे कलर्स के साथ खेलते हैं, रेड, येलो, पिंक, पर्पल, और इन कलर्स को हम एक दूसरे को लगाते हैं। हम बिग और स्मॉल वाटर गन्स, जिसको हम पिचकारी कहते हैं, उसके साथ खेलते हैं, यमी यमी मिठाई खाते हैं। इस दिन की स्पेशल मिठाई है गुजिया। और बताओ, आपको होली खेलना अच्छा लगता है? ओह, हमारी छोटी सी कृष्णा को तो बहुत अच्छा लगता है। यस बेटा, टेल मी व्हाट आर दे डूइंग। यस यस, वेरी गुड, दे आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस। वो क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। एंड हु इज ही? यस, ही इज सांता क्लॉज। अच्छा, पहले बताओ, क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? ओके, मैं आपको बताती हूँ। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड टू रिमेम्बर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है? और ये कब मनाया जाता है ये भी मुझे बताओ। हाँ, वेरी गुड आंसर। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर एवरी ईयर। ओके, और बेटा अब देखिए, हम क्रिसमस में क्या क्या करते हैं, इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस में सबसे पहले हम क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं विथ स्टार्स, रिबन्स, टॉयज, और फिर हम वेट करते हैं किसकी? सांता क्लॉज की, कि कब सांता क्लॉज आए और हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाए। देखो सांता क्लॉज यहाँ क्या कर रहा है, बच्चों के साथ खूब मस्ती कर रहा है, उनको गिफ्ट्स दे रहा है। आपको भी मिलते ना सांता क्लॉज से गिफ्ट्स। एंड ऑन दिस डे क्रिश्चियंस गो टू चर्च एंड ऑफर प्रेयर्स। और क्रिसमस पे हम कैसे विश करते हैं? मैरी क्रिसमस। नाउ बेटा, टेल मी विच फेस्टिवल आर दे सेलिब्रेटिंग। यस, दे आर सेलिब्रेटिंग
गुरपुरब. यू नो इट इज़ अ होली फेस्टिवल ऑफ सिक्स एंड इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ गुरुज. इसको हम प्रकाश उत्सव भी कहते हैं. चलो अब हम देखते हैं गुरपुरब पे और क्या क्या होता है. गुरपुरब इज द होली फेस्टिवल ऑफ सिक्स एंड ऑन दिस डे वी डेकोरेट गुरुद्वारास विद कैंडल्स एंड लाइट्स एंड वन डे बिफोर नगर कीर्तन इज टेकन आउट विद ग्रेट फैनफेयर. और नगर कीर्तन में गतका खेला जाता है. आपको पता है श्री गुरुद्वारा साहब में गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ किया जाता है और उस पाठ को सुनने के लिए पूरी संगत आती है. साथ में शब्द कीर्तन भी होता है. और बेटा पीपल गो टू गुरुद्वारा एंड ईट लंगर. नाउ हैप्पी गुरुपुरब. लुक बेटा दे आर सेलिब्रेटिंग ईद. ईद इज अ होली फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स. मुस्लिम्स गो टू मॉस्क एंड ऑफर प्रेयर्स. वो नमाज पढ़ते हैं एंड आफ्टर नमाज दे हग एंड कॉन्ग्रेचुलेट ईच अदर. सी बेटा दिस इज मॉस्क. मॉस्क मीन्स मस्जिद. देखो मुस्लिम लोग मस्जिद में गए हैं और वहाँ जाके वो नमाज अदा कर रहे हैं. और जैसे मैंने आपको बताया आफ्टर नमाज दे हग ईच अदर और उसके बाद वो सारी मिलके इकट्ठे बैठ के यमी यमी फूड खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं. यस बेटा नाउ टेल मी व्हाट आर दे सेलिब्रेटिंग. Yes, they are celebrating Dashera. Dashera is the most popular festival of India that celebrates the victory of good over evil. ये अच्छाई की बुराई पे जीत का त्यौहार है. You know, on this day, the effigies of Meghnad, Ravana and Kumbhkaran are made. And their effigies आर बर्न्ड. उनके पुतले बनाए जाते हैं और उनको लास्ट में जलाया जाता है. और आप मुझे बताओ रावणा के कितने हेड्स होते हैं. वेरी गुड 10. सी बेटा इस दिन एक बिग ग्राउंड में रावण मेघना कुंभकर्ण के पुतलों को लगाया जाता है और फिर श्री राम द्वारा इन पुतलों को जला दिया जाता है. जिससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए. ओके बेटा वन मोर टाइम वी विल रीड दिस पेज. दे आर सेलिब्रेटिंग दिवाली. दे आर सेलिब्रेटिंग होली. दे आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस. दे आर सेलिब्रेटिंग गुरुपुर्ब. They are celebrating Eid. They are celebrating Dashera. Now, beta, it's time for your question answer. My first question is, which is the famous festival of Sikhs? Yes, you all know very well. Shabash. Gurpurab. Gurpurab is the famous festival of Sikhs. My second question is, on which festival does Santa Claus bring gifts? Yes, you know, on Christmas. On Christmas, Santa Claus brings gift. Okay, on Christmas, Santa Claus brings gifts. Question number 3, which festival is known as the Festival of Lights? Very easy. Diwali. Diwali is known as the festival of lights. Diwali is known as the festival of lights. Question number 4. Which festival is known as the festival of colors? Yes, very good answer. Holi. Holi is known as the festival of colors. Holi is known as the festival of colors.
नाउ बेटा डू प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ दिस टॉपिक एंड क्वेश्चन आंसर. ओके टेक केयर. बाय बाय.